हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त लाइफ ऑफ डिसेबल में आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा चैलेंज जो है, ये मैंने डिसेबल पर्सन के लिए ही बनाया है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपने इस चैनल के थ्रू। क्योंकि कई बंदे जो होते हैं जो बिल्कुल ही घर में बिल्कुल ही रहते हैं और वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि उनको शर्म आती है। तो अभी हम कई टॉपिक पे बात करेंगे, कई वीडियो डालेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें मैं बस अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और अपने चैलेंज के बारे में बताऊंगा, किस पर्पज़ से मैं इसको बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ इज डिसेबल में आपका स्वागत करता हूँ। डिसेबल पर्सन जो होता है वो कहने के लिए डिसेबल होता है, उसका भी एक रीज़न है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक शक्ति गई है हमारे बॉडी की तो हमारे को दूसरी शक्ति जरूर देता है भगवान। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई डिसेबल नहीं है, दिक्कत सभी को होती है किसी ना किसी प्रकार की। कहने के लिए डिसेबल होते हैं, बस मेंटली डिसेबल अपने आप को तुम ऐसा बनाओ कि कोई दूसरा बंदा आपको अच्छा समझे। अगर आप ही अपने आप को डिसेबल समझोगे तो दूसरा बंदा भी आपको डिसेबल ही समझो। आप अपने आप को एबल समझो, आप ये सोचो आप डिसेबल हो ही नहीं। अगर आप डिसेबल हो तो बस, अगर आपकी सोच डिसेबल है तो आप डिसेबल हो, आपकी सोच डिसेबल नहीं होनी चाहिए। छोटी सोच रखने वाले डिसेबल होते हैं, ये आप समझ सकते। तो मेरा बस यही कहना था कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि औरों को भी मोटिवेशन मिले कि किस तरीके से मैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना के अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि डिसेबल पर्सन की लाइफ कैसी होती है। मैं भी एक डिसेबल हूँ, मुझे भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जिस पे मेरे दोनों पैरों में पोलियो हो गया था जब मैं 2 साल की उम्र का था। तो मैं भी अपने आप को डिसेबल नहीं मानता। अभी आप देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड, मेरा ये पार्क का बैकग्राउंड है। तो मैं रोज़ जाता हूँ पार्क, मुझे अच्छा लगता है। मैं जिम भी जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं एबल हूँ। तो इसी सोच को आप दिमाग में रख के और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। मेरा बस यही एक कहना है कि इंसान बॉडी से नहीं अपनी सोच से डिसेबल होता है। चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं अपनी वीडियो डालूँ अब वो आप तक जरूर पहुँचे। और आपको भी मेरी तरह कोई मोटिवेशनल, मेरी तरफ से अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है, मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं तहे दिल से पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरे से जो भी अगर हेल्प मांगो कि भाई इस तरीके से मेरे को ये दिक्कत हो रही है तो इसका सोल्यूशन आप बता दो क्या हो सकता है, तो मैं वो भी बता सकता हूँ। और दूसरी बात, कोई भी बंदा डिसेबल नहीं है, ठीक है। हम डिसेबल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसेबल ही है, हमारी सोच डिसेबल है। बाहर निकलो, बाहर घूमो, बाहर जाओ, लोगों से बात करो तो आपको पता चलेगा कि आप डिसेबल नहीं हो। मैंने भी यही सोचता था लेकिन धीरे धीरे मैं बाहर आ गया, बाहर निकला, लोगों से मिलता हूँ तो मैं भी यही सोचता था पहले कि भी मैं डिसेबल हूँ, लेकिन अब मैं सोचता हूँ मैं डिसेबल नहीं हूँ, किसी भी हालत में डिसेबल नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहता हूँ कि आप भी सही तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करें और बस आप अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।